गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम जाएंगे परिवार के साथ कई जगह जो काफी सुंदर जगह है और बहुत इंटरेस्टिंग जगह है जिसको हर कोई वहां पे टूरिस्ट बन के आता है और देखने आता है क्योंकि वो एक मशहूर जगह है हमारा अरुणाचल का। हाल ही में हमारा देश का प्रधानमंत्री इनॉग्रेट किया था 2022 में, तो जो अपना अरुणाचल प्रदेश में है। तो हम जाएंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम अपना परिवार के साथ जाएंगे। जो अब हम जाएंगे ईटानगर से, और हम अरुणाचल के निवासी हैं, तो हम ईटानगर यहाँ से हम जाएंगे अपना एक ऐसी नया जगह जो थोड़ी ही बाद में आप यही वीडियो में आप पता चलेंगे कि किस जगह पे हम लोग जा रहे हैं और किस जगह को हम एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। तो हम जाएंगे अपना परिवार के साथ। तो गाइस बने रहिए क्योंकि आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जंकु, इसका नाम है BTS अकलू। तो हम लोग जाएंगे एक ऐसी जगह जो अरुणाचल का बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, नॉट ओनली ऑफ अरुणाचल, अपना देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। तो वहां पे हम जाएंगे और एक्सप्लोरेशन करेंगे, और हमारे साथ जाएंगे ये है मेरा वाइफ और मेरा भांजा। ये बहुत इंटरेस्ट है आज वहाँ पे जाने के लिए। बहुत मौसम ठंडा है, तो ये है मेरा जैकेट, तो इसको पहनेंगे। गाइस हम निकल रहे हैं, मेरा BTS के लिए पागल हो गया इसलिए। हाय हाय हाय, हेलो यार, फोन काम करो। हाय गाइस, तो गाइस यहाँ पे कचरा फेंका जाता है अपना, जितना ईटानगर का जितना कचरा है यहाँ पे फेंका जाता है, जितना अपना कचरा प्लास्टिक और जो भी हो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सामान है यहाँ पे फेंका जाता है यहाँ पे। और ये जगह बहुत सुंदर है। गाइस ये है पहाड़, यहाँ से ईटानगर से जब आप लोगों की तरफ जाते हैं तो ये पहाड़ को पार करके जाते हैं, तो ये सबसे हाइट में है। तो यहाँ से फिर हम लोग ऐसे हम लोग नाम रहेंगे डाउन में है हम लोग की। तो यहाँ पे आते हैं गर्म दिन के मौसम में, यहाँ पे फोटो खींचने के लिए आते हैं ईटानगर से, नाहरलगुन से, हर कोई यहाँ पे ही आते हैं देखने के लिए क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है बहुत सुंदर है। गाइस हम पहुंचने वाले हैं होलोंगी और वहां से जाएंगे आज हम, थोड़ी ही बात में आप पता चलेंगे हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो लेकिन हम लोग पहुंचने वाले अभी होलोंगी, ईटानगर से लगभग हम लोग यहाँ पे 15 किलोमीटर जैसे आ चुके हैं। ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे देखिए आप, हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न। तो गाइस यहाँ से हम कंटिन्यू जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम लोग एयरपोर्ट, आज दिखाने वाले हैं एयरपोर्ट जो हमारा अरुणाचल का फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसके नाम है तोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। ये एयरपोर्ट को हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 2022 में इनॉग्रेट किया था, यहाँ से जाएंगे। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर होगा एयरपोर्ट होलोंगी ट्राई जंक्शन से। अगर हम लोग होलोंगी की तरफ जाएंगे तो वात्रा जंक्शन से होलोंगी 1 किलोमीटर जैसा होगा और वहाँ से हम आसाम पहुँच जाएंगे। और अगर कोई आसाम से आते हैं तो होलोंगी चेक गेट होके आएंगे, वहाँ पे ILP का ज़रूरत होगा जो नॉन APST है। I know that something special made me think about you, about you, 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 you.
बहुत सुंदर है। और अब हम यहाँ पे गाड़ी को रखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं तो आज का सरप्राइज एक्सप्लोरेशन जिसका नाम है धोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं धोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में है, ये है धोनी पोलो एयरपोर्ट। आज हम इसके एक्सप्लोरेशन करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे लगभग 10 से 1 बजे के बीच में ही फ्लाइट मोमेंट होते हैं, तो अभी अंदर घुसने देंगे कि नहीं देंगे तो वहाँ पे गेट में जाके देखते हैं। अगर हम वहाँ पे अंदर में घुसने नहीं देंगे तो हम बाहर का ही एक्सप्लोरेशन करेंगे। आज मेरा साथ आए हैं ये लोग, देखिए ये है ईसा ताओ। हाय हाय, और ये हम लोग आए हैं। हाय हाय, कैसा लगा ये आज? कुछ एक्साइटेड है देखने के लिए? यस, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम टू विजिट एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे हमारा भाभी जी है। हेलो, कैसे हो? ताओ। और ये है मेरा भैया। हाय करगम ताओ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट है, ये है गेट जो बांबू से बनाया है, जो गेट को डिजाइन किया गया है अपना ही लोकल आर्किटेक्ट, कुछ बहुत सुंदर सा इसको बनाया गया है। तो देखते हैं अंदर तरफ, चलिए। तो गाइस ये है, फिर से मैं नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊंगा नज़दीक से। ये है बांबू से काफी बहुत सुंदर से डिजाइन किया गया है इसको। ये देखिए बहुत सुंदर बांबू से डिजाइन किया गया है इसको, बांबू से बनाया गया है। ये देखिए ये है बांबू। इसको अपना अरुणाचल का ही आर्किटेक्ट इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया। रात को जलता है ये। यहाँ का जो फ्लाइट टाइम है सुबह से होता है 10 AM से, तो 1 बजे तक होता है और 1 बजे के बाद फ्लाइट मोमेंट नहीं होता है। तो यहाँ से हम देखने से जिसका ऊपर तरफ का जो नज़ारा है गेट का, जो बांबू का जो गेट है ऊपर का जो नज़ारा यहाँ से हम दिखाई देते हैं। तो हम जो पहले दिखाया था वो है बीटर का नज़ारा और ये है बाहर का नज़ारा यानी ऊपर तरफ का नज़ारा। और ये है हमारा जीजा जी। हेलो जीजा जी। हाय। तो आज यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, अपना अरुणाचल एयरपोर्ट को मैं देखने आया हूँ और सुनते रहता हूँ यहाँ पे है, आज थोड़ा टाइम निकल भी से देखने आया हूँ। तो अरुणाचल धोनी पोलो एयरपोर्ट हमारा अरुणाचल राजधानी का एयरपोर्ट है। अपने राजधानी में होते हुए मैं कभी नहीं देख पाया हूँ, सुनता हूँ, तो आज मैंने टाइम निकल के देखने के लिए आया हूँ। बहुत ही अच्छा लगा देख कर यहाँ का नज़ारा। हेलो हेलो, यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो नज़ारा है कैसा लगा? हाय हाय। तो आज यहाँ पे आके कैसा लगा आपको? हमको बहुत खुश महसूस हो रहा है क्योंकि इतना दिन का बाद घूमने मिल रहा है। मैं भी कुछ काम के लिए आया था, फ्लाइट
कुछ रिलेटेड आपको मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, और यहाँ से अंदर जाते हैं एग्जैक्ट हम लोग जा यहाँ पे जो अभी यहाँ पे हम जो है जहाँ से वीडियो ले रही है गेट, और यहाँ से अंदर घुसते हैं। यहाँ में सिक्योरिटी पोस्ट भी है, आप अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसलिए मैं यहाँ से बाहर से फ़ोटो को लेके अंदर का जो फोटो अंदर का जो नज़ारा है इसको हम वीडियो के तौर से आपको हम दिखा रहे हैं। तो गाइस हम नज़ारा देख चुके हैं होलोंगी एयरपोर्ट का, जो आप जो अंदर का पीटर का जो नज़ारा है उसको हम दिखा नहीं पाए क्योंकि आप अंदर घुसने का जो समय है इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी फ्लाइट टाइम नहीं है। इसलिए आप जो बाहर का जो सिक्योरिटी है अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हम बाहर का जो नज़ारा है इसको हम दिखा पाया, और अगले वीडियो में हम अंदर का जो नज़ारा है उसको हम दिखा देंगे। तो गाइस जो अंदर का नज़ारा इसको हमने नहीं दिखा पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम दिखा देंगे अंदर का जो वीडियो इसको हम जरूर दिखा देंगे। तो गाइस इतना ही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैव अ गुड डे और हैव अ गुड टाइम।